इस साल बेमौसम की बारिश ने पंजाब के किसानों को रुला दिया था। हजारों एकड़ खेतों में खड़ी पकी फसल आंधी तूफान बारिश की भेंट चढ़ गई और किसानों की चिंताएं बढ़ गई कि इतने नुकसान की पूर्ति होगी कैसे। किसानों के हालात और परेशानी को समझा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और ऐलान किया कि बैसाखी से पहले पहले ही किसानों को उनकी खराब फसल का उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। कल बैसाखी है और अपने वायदे मुताबिक मुख्यमंत्री मान ने आज एक प्रोग्राम रखा जिसमें किसानों को मुआवजा राशि के चेक बांटे गए। खुशी चुंदी है पर साड़ी हाड़ी दी फसल का नुकसान हो गया, खुशी तो नहीं हो सकती पर नुकसान होए किसानों की बांह फड़न वास्ते मैं ये दिन चुने है कि 13 अप्रैल तो असी पैसे देने शुरू कर रहे हैं। अज तो पैसे देने शुरू सारे पंजाब च कादे कादे पैसे ने 75% तो 100 तक का खराबा 15,000 रुपया किले का 15,000 रुपया पहला 12 सी असी 15 करता। नंबर 2 33 तो 75 6,800 रुपया किले का पहला 5,400 से असी उन्हें 6,800 करता। तो जे किसी का घर ढह जे जिमें क्या हूँ आए सी 1,20,000 रुपया घर पाने वास्ते उन्हों का मुआवजा जोड़ा वो दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अबोहर की दाना मंडी में रहे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए के हिसाब से चेक बांटने शुरू किए। बकैन वाला तो 1,20,000 रुपए का मुआवजे का चेक है इन्हों का। इन्हों के पिछले दिन तुसी टारनीडो की बड़िया खबर वेखिया होनी, इन्हों के मकान ढह गए सी। महेंद्र सिंह सन ऑफ रतन सिंह बकैन वाला पिंड है जी। सुरजीत सिंह इस तो बाद बकैन वाला पिंड है उन्हों का भी और उन्हों का भी 1,20,000 रुपए का चेक है। जोगिंदर सिंह पिंड बकैन वाला 1,20,000 रुपए का चेक है इन्हों का। सुभाष कुमार सन ऑफ विशाखा सिंह बकैन वाला और असी सीएम साहब नूं दसना चाहांगे कि साढ़े तुहाडी आशीर्वाद नाल इन्हां चों कईआं दे मकान ते सहयोग नाल जिला प्रशासन ने और बनवा भी दिते गए ने। सुभाष कुमार बकैन वाला 1,20,000 रुपए। सुभाष कुमार अपना चेक प्राप्त कर रहे ने। इस तों बाद विनोद कुमार पिंड बकैन वाला 1,20,000 रुपए। पहला मकाना दा जिहड़ा मुआवजा सी सीएम साहब तुहानूं दसणगे बहुत घट सी पर जद पिछले दिन ही सर साडे जिले दे दौरे ते आए वख-वख जिलियां दे दौरे ते आए सी ते उन्होंने। इस कार्यक्रम से पहले सीएम मान ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि खेतों में फसल लेकिन खाते में पैसा। पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा आज से 20 दिनों के भीतर मिलना शुरू हो गया है। आपकी सरकार का ईमानदार काम बहुत कुछ बोलता है। उस बरसात तो 2 दिन बाद ही आया सी। मैं डब वाली ढाब लंबी हलके दे पिंड आया सी, उत्थे मैं कणका देखिया। मैं भाई रूपे गया, सेलबरा गया, मैं उत्थे भगता भाई का एरिए गुमटी गया, उत्थे फसलां देखियां। उस दिन ही मैं पसियाने गया पटियाले, उत्थे फसलां देखियां। पूरा एक बेल्ट जिहड़ी है वह नुकसानी गई। तो जान सर मैं अफसरां की मीटिंग बुलाई, मैं क्या भी हुण तक पैसे किन्ने कहिंदे रहे हो, दिंदे रहे हो नहीं, मैं क्या दिते तो है ही नहीं किसी ने, पहला कहिंदे किन्ने रहे हो। वो कहिंदे जी आ पिया सरकार दा जिहड़ा बनाई हुई स्लैब 33% तो 75% तक 5,400 रुपया, 75 तो 100 तक 12,000। मैं क्या भी कदे दिते है, कहिंदे जी मुश्किल है। मैं क्यों नहीं दिते, कहिंदे गरदौरियां नहीं हुंदियां, गरदौरियां दे विच राजनीति आ जाती है। मैं फिर अनाउंस किया
कि पटवारी जिन्हें भी ने सारे डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर किए निर्देश दिते जिन्हें भी पटवारी तहसीलदार जा SDM जा गरदौरी करने वाले अधिकारी पिंड जाएंगे वो किसी खास बंदे दे घरें बैठ के अद्धे घंटे च गरदौरी नहीं करनगे सारा दिन पिंड दे खेतां च फिर के गरदौरी करनगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में प्रभावित गांव का दौरा किया था और खराब हुई फसल के मुआवजे में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। मान ने कहा था कि 75% से ज्यादा फसल नुकसान होने पर राज्य सरकार किसानों को 15,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए थे। कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल समेत प्रदेश के कई मंत्री इस ऐलान के बाद से ही खेतों में किसानों की फसल का जायजा लेते नजर आए थे। भगवंत मान के इस फैसले से पंजाब के किसानों को बड़ी राहत मिली है। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है।